तो हे गाइस, अगर आप एक फ्री फायर प्लेयर हो तो भाई वीडियो को जो एंड तक देख लेना। वैसे भाई आप लोग तो फ्री फायर खेलने वाले ही हो ना, जब भी तो आपने क्लिक करा ना। मैं यार कभी कभी कुछ भी बोल देता हूँ। तो भाई मैं आपको सलूशन देने वाला हूँ कैसे अपनी फ्री फायर जो आइडियाज को प्रोटेक्ट करके रखे, ताकि वो फ्यूचर में जो है सस्पेंड ना हो जाए। और जिन लोग की जो भाई बैन हो चुकी है वो उनको भी मैं कुछ टिप्स देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को जो है एंड तक देख लेना। तो चलो आप बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो जिनको अपनी आईडी प्यारी है वो एक बार मेरी बात सुनो। आप लोग कभी भी किसी भी टाइप का जो है को यूज मत करना, ना ही किसी बंदे के दिए हुए लिंक पे जो है डाउनलोड करना कुछ भी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया और अब भी बता रहा हूँ, हैकर्स के लिए फ्री फायर कम्युनिटी में कोई भी जगह नहीं है। और अगर फिर भी आप लोगों में चुल है हैक को यूज करने की, तो जब भी आप कोई भी हैक को यूज करो तो सबसे पहले जो आपको अपनी मेन आईडी से तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना। गलती से भी आप जो है लॉगिन भी मत कर देना अपनी मेन आईडी, क्योंकि गरेना जो है तुरंत ही आईडी को जो है बैन कर देती है, क्योंकि वही हैक यूज करना इलीगल है गेम के अंदर। तो हमेशा अपने गेस्ट अकाउंट से जो है हैक यूज करना, जिससे आपका जो मेन अकाउंट सेफ रहेगा। लेकिन भाई हैक को सिर्फ एक बार जो ट्राई करना, उसके बाद जो उसको पूरी तरह अपने फोन से जो डिलीट कर देना, उसका जो बिल्कुल ही नामो निशान जो बचना नहीं चाहिए। क्योंकि भाई जो गरीना है ना वो बहुत बुरी तरह से जो हैकर्स के पीछे पड़ा हुआ है। अगर आप लगातार जो हैक को यूज करोगे तो भाई आपको डिवाइस से गरीना फ्री फायर जो बैन कर देगा, जिससे आप फिर उस डिवाइस में कभी भी जो अपना गेम नहीं खेल पाओगे। तो भाई अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो भी मैंने बताया आप सभी को। तो अब आईडी अनबैन कैसे करें, तो उसकी तरफ जो हम लोग चलते हैं। आपको जो सिंपल स्टेप्स जो है फॉलो करना है, तो सबसे पहले आपको जो अपने अकाउंट को चेक करना है, उसके लिए मैंने नीचे एक लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, उस पे जो आप लोग क्लिक करना। और फिर उसको क्लिक करने के बाद आपको कैसे इंटरफेस दिखेगा, आपको जो यहाँ पे अपनी यूआईडी पेस्ट कर देनी है। और फिर आपको ऐसा जो है एक दो बार जो चेक करना है, आपको जो नीचे लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा कि आपकी आईडी सेफ है या सेफ नहीं है। तो यहाँ से जो आप लोग जो चेक कर लेना, और फिर अगर ये लिखा हुआ आए तो फिर आपको एक रिक्वेस्ट जो है सबमिट करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको गरीना के हेल्प में जाना है, जिसका लिंक मैंने जी डाल दिया है, आप डायरेक्ट भी वहां पे जा सकते हो। फिर आपको जो ऊपर से साइन इन कर लेना है, अपने उसी अकाउंट से साइन इन करना जो आपका जो मतलब गेम से कनेक्ट है, ठीक है ना। फिर आपको जो है ऊपर अपना अकाउंट नेम जो है शो कर जाएगा, तो उस पर आप क्लिक करो और यहाँ पे आएगा सबमिट अ रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फिर यहाँ से जो फ्री फायर मैक्स को जो सिलेक्ट कर लेना। इसको करने के बाद आपको जो है यार यहाँ पे अपनी यूआईडी भी शो कर जाएगी, जो भी आपकी आईडी आपका अकाउंट नेम शो कर जाएगा। फिर आपको यहाँ से जो है बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आएगा, तो आप पे आपको गेम कॉन्सर्न पे जो क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको टेक्निकल इशू पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक दबा देना। फिर डिस्क्रिप्शन में जो आपको अपनी प्रॉब्लम जो है लिख देनी है, मतलब जो भी आपको शो कर रहा था स्क्रीन पे वो लिख देने की, हेलो गरीना माई मतलब माई स्क्रीन गेम इज नॉट लॉग इन, और जो भी यार लिखा है वो जो लिखा आता है नॉर्मल एक्टिविटी वाला वो सब लिख, आई एम सॉरी बाबू देना इसके अंदर, ठीक है ना गाइस। वो सब लिखने के बाद आपको जो अपनी प्रोफाइल का एक स्क्रीनशॉट जो है नीचे उसको जो है अटैच कर देना, और फिर उसके बाद जो सबमिट कर देना इसको। अगर किस्मत आपकी अच्छी रही तो आपका जो अकाउंट है बहुत जल्दी जो है अनबैन हो जाएगा। और फिर आपको बाकी यूट्यूबर्स पर जो भरोसा नहीं करना है, क्योंकि आजकल जो है बहुत सारे जो फेक लोग है जो इस पर वीडियो बना रहे हैं। कोई बोलता है ये वाला एपीके डाउनलोड करो तो आपका जो गेम है वो अनबैन हो जाएगा, तो वही कोई बोलता है कि इस वाले फॉर्म को भरो आपका आईडी जो है अनबैन हो जाएगा। तो भाई ऐसा बकचोदी आप लोग मत करना, क्योंकि गरीना ने साफ साफ लिखा हुआ है कि अकाउंट फाउंड गिल्टी इज परमानेंटली सस्पेंडेड। तो भाई जो भी लीगल बेता वो मैंने आपको जो बता दिया है, तो अब आप लोग जो थोड़ा सा जो है पेशेंस रखो। और अगर आईडी वापस नहीं आता तो भाई इतना सैड मत होना, नई आईडी बनाओ और उसमें गेम खेलो। तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना इस वाले वीडियो को, तो ठीक है ना गाइस। तो मिलते आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नीचे मुझे कमेंट में बताओ कोई भी प्रॉब्लम हो फ्री फायर से रिलेटेड, मैं उस पर जरूर वीडियो बना दूंगा।